भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के लोगों को खड़ा किया, उसके पास पूंजी क्या है? वो व्यक्ति चला है पूंजी के ठेकाने नहीं है, चला है माहौल बनाने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी पूरे पटना में हो चुकी है। तैयारी के ठीक पहले प्रशांत किशोर के तरफ से उनके पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने पटना के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं और अनाउंसमेंट से ठीक पहले आरजेडी पर ज़बरदस्त तरीके से वार भी उन्होंने कर दिया। अब इस वार के बाद से आरजेडी में कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे तो तहलका मचता हुआ दिख रहा है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है। इसके अलावा पटना और बिहार भर में जो स्मार्ट मीटर को लेकर के खेल चल रहा है उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल 1 अक्टूबर को पटना के सड़कों पर उतर कर ज़बरदस्त तरीके से विरोध करती हुई दिखेगी। इस मुद्दे पर जब हमारे रिपोर्टर मुकेश जी ने शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की है तो आइए सुनाते हैं प्रशांत किशोर के 2 तारीख वाले कार्यक्रम और पार्टी लॉन्चिंग से पहले उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कह रहे हैं शक्ति यादव सुनिए। पार्टी का जो भी ब्रोकरी कर रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के लोगों को खड़ा किया, उसके पास पूंजी क्या है? जिसका कुल खानदान भाजपा को वोट देता हो वो व्यक्ति चला है पूंजी के ठिकाने नहीं है, चला है माहौल बनाने, लिफाफा बांट के। संभव है? बिहार है, साफ तो हमने कहा आपको कि जो लोग 400 पार का जयकारे लगाते हैं वो राजद से टकराने चले हैं। बिहार का दलित पिछड़ा दंग पिछड़ा और अल्पसंख्यक बेवकूफ नहीं है, इसकी ब्लैक एंड व्हाइट संस्था को समझ रही है बढ़िया से। लेकिन प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि आप लोग परिवारवाद हैं। अरे वो ये लगाते लगाते बहुत लोग चले गए जहन्नुम में, कई लोग परिवार ने तो परिवारवाद क्या लगा रहा है, रहेगा तो ना परिवार। तुरते बीवी को उतार दिया था तो परिवार नहीं दिखाई पड़ा था वो। बिहार में लगातार बाढ़ का समस्या बिहार में बाढ़ आपदा का रूप ले लिया है। पूरे 7 जगह पर तटबंध कट गए हैं। 4,43,000 क्यूसेक वाटर को 8,00,000 क्षमता वाली प्रवाह करने वाली बांध सहन नहीं कर सकी। सरकार की विफलता है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। जो लूट रहे हैं बिहार को उसमें से कुछ बांट दे तो पुण्य होगा। लगातार देखा जा रहा है कि जगह जगह पे बांध टूटा हुआ। हमने कहा कि परिवार, हमने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने सही जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, सांसद, पूर्व सांसदों को साफ तौर पर कह रखा है कि इस आपदा की घड़ी में सब लोग उनके दुख के साथ खड़े रहे, हमारी पार्टी हर जगह काम कर रही है। सरकार की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा। अंतिम सवाल है, 1 तारीख को आप लोग 1 तारीख को पूरे बिहार में मीटर के खिलाफ, स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर है, स्मार्ट लूट करने का ये धंधा है, जनता परेशान है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने कल 1 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम करेगी। जनता का अपार समर्थन इस धरना में मिलेगा और निजात मिलेगा परेशानियों से बिहार की जनता को। जो बिजली बिल अभिशाप बन गया है, बिजली ही मीटर के कारण जो अभिशाप बनी है स्मार्ट मीटर के कारण, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लेकिन जदयू कह रही है कि ये स्मार्ट, जदयू का मतलब ही होता है जनता का दमन और उत्पीड़न, दे रही है उत्पीड़न, दमन कर रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।